जय हिंद। नमस्कार। आज के फटाफट पांच सैनिक अपडेट, जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं। नंबर एक में रहेगा ओल्ड पेंशन स्कीम जल्द लागू होगी, सरकार पर किसने बनाया दबाव। दूसरा पॉइंट में रहेगा यूनिट कोटा के तहत सैनिकों के बच्चों के लिए भर्ती रैली है, कहां पर हो और कौन सी तारीख से शुरू है वो बताएंगे। तीसरे में एक्स सर्विसमैन जेसी अंशियों के लिए निकली है जॉब, सैलरी 55,000 से 70,000 तक मिलेगी, कहां पर है वैकेंसी उसके बारे में जानेंगे। फोर्थ में बात करेंगे मेजर जनरल साहब के फिटनेस, देखें पब्लिक भी हैरान, तो क्या उनके फिटनेस का राज है वो देखेंगे वीडियो क्लिप के माध्यम से। पांचवा और अंतिम में बात करेंगे सेना में जवानों की सांपों के साथ कैसे होती है ट्रेनिंग, यानी कि एक कमांडो जब बनता है तो किस ट्रेनिंग से उसको गुजरना पड़ता है, उसका एक पार्ट हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आगे बढ़े उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं। अब जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों, अमर उजाला की रिपोर्ट है, ओल्ड पेंशन स्कीम या पुरानी पेंशन पर दबाव में आ रही है सरकार, बजट के दौरान एनपीएस में देखने को मिलेगी ओपीएस की झलक। केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है कि पुरानी पेंशन की मांग पर गंभीरता से काम हो रहा है। गत वर्ष मार्च 2023 में केंद्र सरकार के वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की थी, अब किसी भी वक्त उसकी रिपोर्ट आ सकती है। दोस्त, पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर केंद्र सरकार दबाव में आ रही है। कर्मचारी संगठनों ऐसी उम्मीद नजर आ रही है कि सरकार एनपीएस में ही ओपीएस वाले प्रावधान को शामिल कर सकती है। हालांकि नेशनल ज्वाइंट काउंसिलिंग ऑफ एक्शन के वरिष्ठ पदाधिकारी स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद यानी कि जेसीएम के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव सी श्री कुमार कहते हैं कि कर्मियों को केवल गारंटी कृत पुरानी पेंशन ही चाहिए, उन्हें एनपीएस में सुधार मंजूर नहीं है। तो दोस्तों आने वाले बजट सत्र में इस पर कुछ निष्कर्ष आने की संभावना है, तो क्या उसमें निष्कर्ष आता है आने वाले समय में इसका पता चल जाए। सेकंड में बात करेंगे कि एओसी केंद्र में सैनिकों के बच्चों के संबंध में अग्निपथ योजना के तहत यूनिट मुख्यालय कोटा के तहत नामांकन 2024-2025 के लिए निकल गए। दोस्तों ये रक्षा मंत्रालय का प्रेस रिलीज है जिसमें ये यूनिट मुख्यालय कोटा के तहत सेना भर्ती रैली का थापर स्टेडियम एओसी सेंटर सिकंदराबाद में है, जो कि 8 जुलाई 2024 से 8 सितंबर 2024 तक अग्निवीर जीडी, अग्निवीर टेक, अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट और केवल एओसी वार्ड यानी कि ऑर्डिनेंस वार्ड के लिए ये रहेगी भर्ती। तो जो भी इसमें जिनके भी बच्चे शामिल होना चाहते हैं वो अपना यहाँ पर जाके नाम रजिस्टर कर सकते हैं दोस्तों, और इसमें पूरी डिटेल आपको देखने को मिलेगी, क्या इसमें आयु मानदंड है और क्या क्या आपको उसमें चाहिए डॉक्यूमेंट, सारा कुछ इसमें दिया गया है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्त। अगली बात करेंगे, वैकेंसी नोटिफिकेशन निकला है जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए है, जिसमें डीजीपी इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन बेंगलुरु में ये वैकेंसी निकली है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये होगा। ट्रेनिंग सुपरवाइजर एंड ट्रेनर से उनको रिक्वायरमेंट है, जिसमें 4 रिटायर्ड एज सूबेदार और अबव रैंक के उसमें चाहिए और 8 जो ट्रेनर हैं वो रिटायर्ड एज ए हवलदार और अबव रैंक के होने चाहिए दोस्त, जिसकी फिक्स्ड सैलरी रहेगी 70,000 फॉर ट्रेनिंग सुपरवाइजर जेसीओ के लिए और 55,000 फॉर ट्रेनर एनसीओ रैंक के लिए। तो ये जो भी इसमें इच्छुक हैं 6 जुलाई तक ये आप अपना राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्त। अब बात करेंगे एनडीटीवी इंडिया से ये रिपोर्ट मिली है जिसमें 56 साल के मेजर जनरल ने 60 सेकंड में लगातार किए 25 पुलअप्स, वीडियो देख हैरान हुई पब्लिक ऐसे की तारीफ। Come on.
अगली अपडेट में बात करेंगे एनबीटी नव भारत टाइम्स की ये भी रिपोर्ट है इंडियन आर्मी के जवानों के बारे में, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं जवानों को सांपों के साथ खतरनाक ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये भी एक्स में इसका वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें देखने की वाली बात यह है कि भारतीय सेना के साहस और पराक्रम पर पूरे देश को गर्व होता है। हमारी आर्मी की गिनती दुनिया में सबसे ताकतवर सेनाओं में होती है। इसकी वजह आर्मी का अनुशासन और ट्रेनिंग में आने वाली चुनौतियां हैं दोस्तों। तो जब एक सैनिक को कमांडो बनाया जाता है तो ये एक उस कमांडो का पार्ट है जो ये ट्रेनिंग में दिखाया गया है। इसकी भी एक छोटी सी क्लिप है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी। जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।